हाय, आज मैं बनाऊंगा एक एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एसी पावर सप्लाई को डीसी डायरेक्ट में कर देता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक सर्किट बनाना होगा। तो ये है एक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, और कुछ डायोड IN4007 यहाँ पर 4 पीसेस, और 25 वोल्ट, 100 UF कैपेसिटर, और यहाँ इस तरीके का सर्किट हमें बनाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये है ट्रांसफार्मर के आउटपुट, ये दो आउटपुट है, ये है ब्रिज रेक्टिफायर, बीच में एक कैपेसिटर है, ये बीच में कैपेसिटर, और ये होगा आउटपुट में ये वाला प्लस और ये है माइनस। तो हमें 4 पीसेस चाहिए IN4007 डायोड के, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर Transformer. 25 वोल्ट, 100 UF कैपेसिटर, और यहाँ पर हमें ये जो वाइट कलर है ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये वाला साइड का प्लस। तो हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो एक साइड ब्लैक ब्लैक लगाना है और एक साइड वाइट वाइट, फिर इन सबको एक साथ मिलाना है बाद में। तो यहाँ पर वाइट और वाइट को मिक्स करना है, कनेक्शन लेना है, फिर यहाँ पर ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट को कनेक्ट करना है प्लस माइनस। तो अच्छे से हमें लगा दिए, और आप और कर सकते हैं। तो अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे आँखा फाड़ फाड़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आगे दो वाइट हो गए, पीछे दो ब्लैक, ये दो ब्लैक, और यहाँ पर साइड में और दो। तो हमें कैपेसिटर को यहाँ पर ऐड करना है, इसका जो माइनस लग है ये वाला माइनस है, तो हमें इसके ये वाइट कलर में अटैच करना है, वाइट कलर में अटैच करना है हमें। उसके बाद इसका जो प्लस वाला लगे है वो ब्लैक में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्डर कर दे रहा हूँ इन दोनों, ये सर्किट को अच्छी तरीके से सॉल्डर करना है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर हो चुका है अच्छी तरीके से। आउच, गरम है। तो यहाँ पर हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बन चुका है। तो हमें बस इनके इनपुट और आउटपुट्स देना है सिर्फ। तो ये है ट्रांसफार्मर का आउटपुट, कनेक्ट होगा ये वाले साइड पर जहाँ पर ब्लैक और वाइट एक साथ है। इसमें ट्रांसफार्मर को आउटपुट में माइनस और प्लस नहीं है, आप कोई भी कौन सा भी साइड लगा सकते हैं। तो ये हो गए ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट, ये दो जो दिख रहे हैं आपको ये हैं इनके इनपुट। तो ये इनपुट है ट्रांसफार्मर के, आउटपुट है तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट होंगे। तो एक साइड लगाना है, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया है। तो अब यहाँ पर इनके आउटपुट के वायर्स लगा देंगे। तो ये होगा माइनस, ये होगा इसका प्लस, यानी कि जो है पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव और रेड वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पर पूरा सर्किट कंप्लीट हो Here चुका है। I soldered तो the मैं यहाँ पर wire हीट and I सिंक used लगाऊंगा, some हीट heat सिंक sink, ट्यूब, not a heat sink, I'm using heat sink tube हीट सिंक ट्यूब को like this और everywhere. इसे मैं पूरा एडजस्ट करके लगा लूँगा। तो यहाँ पर हमें हम लोग का पूरा तरीके से हो चुका है। आप चाहे तो
टेप भी लगा सकते हैं कुछ और हॉट ग्लू भी। तो हमारा ये रेडी हो चुका है प्लस और माइनस। तो अब है बारी इसकी टेस्ट करने की। ये है 12 वोल्ट की एक डीसी मोटर। तो अब मैं इसे 120 वोल्ट एसी में लगाऊंगा। तो एक तो लग गया, दूसरा भी लग गया। अब मैं सही से लगाऊंगा। तो मैंने इन्हें लगा दिया है वायरों को, और 1 2 और ये 3। तो माई गॉड, फैन काम कर रहा है, यानी कि जो मोटर है वो काम तो कर रही है, यानी कि आउटपुट दे रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी दिख रही है। मुझे लगता है इसमें एक और कैपेसिटर ऐड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक मैंने बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पर एक और कैपेसिटर ऐड करूँगा 16 वोल्ट। तो ये 16 वोल्ट 1000 UF कैपेसिटर है। तो मैं सेम कनेक्ट कर दूँगा जो पहले वाला किया था सेम। तो अब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसे एसी देंगे। तो अब हम इसे एसी इनपुट देंगे। तो अब तो मुझे पता नहीं होगा क्या, लगता है कैपेसिटर ब्लास्ट होगा। नहीं यार, तो इनपुट एक बार लग गया, दूसरा अब, और ये, और हम तो अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो 1 2 3 तो चल तो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। अच्छे से चल रहा है, अभी भी कोई फर्क नहीं है। अच्छी तरीके से चल तो रहा है। अब ये बिना प्रोपेलर के से रोकना बहुत मुश्किल है। तो छोटी मोटर पर लगा था कि टेप उड़ गया, तो मुझे फिर से टेप लगाना होगा। एकदम खतरनाक आ रही है। ओह माय गॉड, तो ये क्या टेप फट गया। तो बाद में जाके पता चला कि मेरा जो कैपेसिटर अचानक से फट गया, तो उसमें फटा नहीं, जल गया, बर्न हो गया। तो मेरे सर्किट में मैंने जो वाइट कलर के बताए थे वो कोई माइनस नहीं प्लस थे, और जो ब्लैक थे वो थे माइनस थे। तो ये होगा प्लस और वो वाला होगा माइनस। और जो मैंने कैपेसिटर लगाया था उल्टा लगा दिया था, तो अब सीधा ज़रूर लगाना। तो सीधा लगाना, तो यहाँ पर मैंने दूसरा कैपेसिटर लगाया और सही कर दिया अपने सर्किट को। ये कैपेसिटर जो है सो 100 UF का है, 100 वोल्ट 100 UF का। तो आप चाहे तो 25 वोल्ट 1000 UF का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मोटर पे अच्छी तरीके से काम तो कर रहा है। मुझे लगता है इसका एक 2 एम्पियर तक का होगा करंट, 2 एम्पियर होंगे। तो आज के लिए इतने, बाय बाय।